धरती कहां की धरती है और यहां से क्या होने वाला है। ये क्रांतिकारी धरती, ये कुरुक्षेत्र की धरती, ये न्याय की धरती, ये किसान क्रांति न्याय यहां से ही होगा। इसी कुरुक्षेत्र की धरती का होगा, यहां से ही ज्ञान प्राप्त हो जाता, यहां से ही बता ज्ञान प्राप्त। इनकी बुद्धि भ्रष्ट होगी सरकार के पार्लियामेंट में कह रहे हैं कि ये परजीवी है। क्या भगत सिंह परजीवी है? जिसने देश के लिए आंदोलन करे, जो शहीद हुए, जो हमारे परिवार शहीद हुए आंदोलनों में, जो परजीवी थे, जो हमारे 150 किसान सजाते दिल्ली के अंदर शहीद हुए, वे परजीवी थे, वे वहां मरने के लिए गए थे। क्या हम आंदोलन करेंगे दिल्ली में मरेंगे? सबसे प्यारी चीज आदमी के जीवन में क्या होता है, उत्तर से प्यारा कोई चीज नहीं होती। या कोई होती है आपसे भी प्यारी चीज? हाथ खा के बताओ, मेरे में बताओ दोस्त, सबसे प्यारी चीज हाथ खाओ। सबसे प्यारी चीज क्या होती है? लड़का होता है ना, और आदमी कहेगा लड़का हो हाथ खाओ। पूरे जितने जी बाप अपने लड़के के जमीन नाम नहीं करता, एक आदमी हाथ उठाकर कर दो जितने जितने जी अपने लड़के के नाम जमीन करी हाथ खाओ बोले। नहीं नहीं, माताओं के तो नाम जमीन नहीं, जिसके नाम जमीन है अपने लड़के के नाम भी जमीन नहीं करता। वो सबसे प्यारी क्या चीज हुई? जमीन। और ये लड़ाई किसके लिए है? जमीन के लिए। ये तो पुत्रों से भी ज्यादा प्यारी है जमीन, जिसके लिए लड़ाई लड़ रही। ये कुरुक्षेत्र की धरती है, ये क्रांति की धरती है। यहां से जितने भी लोग आए, ये सारे क्रांतिकारी आदमी है। आपको अपने लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए आंदोलन करने पड़ेंगे। 70 दिन हो गए, सरकार नहीं सुन रही। एक मनोबल डाउन करने की कोशिश करी गई, कुछ बच्चों को दल किले पर ले जाया गया। 1988 में 5-6 लाख आदमी वहां पर थे, वोट क्लब में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी के नेतृत्व में, यहां के भी सब लोग थे। लेकिन पार्लियामेंट की दूरी 1 किलोमीटर, कोई गया वहां पे? कोई नहीं जा पाया। हम भी हर बार कहते हैं कि लोग पार्लियामेंट पे जाएंगे। पिछले 25-30 साल से कह लिया, 25 साल से कोई पार्लियामेंट पे गया? एक बच्चे ने शाम को 7 बजे कहा, और 13 घंटे में लाल किले के ऊपर वो झंडा, एक धार्मिक झंडा फहराना। कौन सी साजिश थी? इन साजिशों से बचना होगा हमको। हमको पंजाब और हरियाणा को तोड़ने की कोशिश करेंगे, सिख नॉन सिख को तोड़ने की कोशिश करेंगे, हिंदू मुस्लिम को तोड़ने की कोशिश करेंगे। छोटा बड़ा किसान में ठंडा जाए हैं 2 दिन से, कि छोटे किसान की लड़ाई नहीं है, तो बड़ा किसान है जो ट्रैक्टर वाला। अरे हम तो छोटे किसान हैं, पंजाब से हरियाणा से ट्रैक्टर खरीदते हैं और अपना 15-20-30 साल चलाते हैं उसको। हम तो पुराना ट्रैक्टर खरीदना गुजारा करते हैं। ये कौन से किसान की बात कर रहे हैं? उन्हीं किसान ने जो मानने की प्राण बना दी कि 10 साल पुराना ट्रैक्टर निकल लेगा, किसी का बहुत है कि 10 साल में ट्रैक्टर बदल देगा। ये बहुत बड़ी साजिश किसानों के खिलाफ रची जा रही है। किसान क्रेडिट कार्ड 300% का ब्याज किसान देता है। किसान कर्जे में ऐसे लिया है, उसने राजपूत पे लिखाया, उसने लिखाया राजपूत पे, वो कर्जे मारा है सरकारों की गलत पॉलिसी से। एमपी और एमएलए की तनख्वाहें कितनी बढ़ गई, किसानों के फसलों के रेट कितने बढ़े, फसलों के रेट बढ़े हैं 19 से 23% तक, उनके रेट बढ़े हैं 500% तक। उन्हीं को आप वोट देते हो सबको, 500% तक तनख्वाहें बढ़ी। जब तनख्वाह बढ़ती है तो कोई नहीं चिल्लाता मेरी तनख्वाह ना बढ़ाओ। यह आंदोलन होगा, किसान की जीत होगी। यह आंदोलन लंबा चलेगा, अभी 2 अक्टूबर तक का टाइम सरकार ने दिया है। आप अपनी प्लान बना लेना, जनसंख्या वहां पर अभी कम है। ये ना हो कि एक दिन 26 तारीख की तरह फिर वापसी आ जाए। घर में कहे उनके 3.5 लाख
कहते हैं कि पंजाब और हरियाणा है ना, कर्नाटक के अंदर 10,000 के करीब।